हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहुल डोगरा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया इस समय। अभी हम लोग हैं तवी ब्रिज पर, जो कि जम्मू की बहुत ही फेमस प्लेस है। दिस इज़ एग्जैक्टली तवी नदी। तो आज हमारा विजिट करने का जो मकसद है, हमारे जम्मू में एक नई चीज़ कह सकते हैं इनॉग्रेट हुई है, हमारे जम्मू में एक नई चीज़ है जो कि आई है रिसेंटली। इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली यू आर इन दुबई और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो हम यहाँ पर विजिट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। दिस इज़ एग्जैक्टली मतलब एक लेज़र फाउंटेन है, वाटरफॉल जैसे आप बाहर सिटीज़ में देखते हैं, मेट्रो सिटीज़ में एंड ऑल। तो हमारे जम्मू में भी ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ आई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो बाहू फोर्ट का भी विजिट करवाऊंगा, बावे वाली माता के भी दर्शन कराऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। तो हम लोग पार्किंग में पहुंच गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी वाड़ियों की पार्किंग है और यहाँ से लोकल बस वगैरह भी जाती हैं सिटी की तरफ। तो ये बावे वाली माता के मंदिर की तरफ हम लोग निकल पड़े हैं। यहाँ पे सारा सामान वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लॉकेट, खाना वाना मतलब। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ जो है, जो माता का प्रसाद है, वो है वो जो खोए वाली बर्फी बनती है यहाँ पे, काफ़ी पुराने टाइम की। तो एंट्रेंस है यहाँ से, और यहाँ एंट्री में शिवलिंग है। हम लोग इस समय हैं बाहू फोर्ट, जो कि बावे वाली माता का मंदिर है। तो वो आप देख सकते हैं, ये किला है उस समय का, बहुत पुराना है ये, ऑलमोस्ट अराउंड 3000 ईयर ओल्ड है। तो जम्मू के जो राजा हुआ करते थे जाम्बुलोचन, और उनके जो भाई थे बाहुलोचन, ये उनके नाम पर बाहू फोर्ट उस टाइम पे नाम दिया गया था। तो ऑलमोस्ट 3000 ईयर ओल्ड है, काफ़ी पुराना है। हम लोग अभी अंदर जाएंगे, माता वाता देखेंगे, फिर उसके बाद जो कि फाउंटेन वगैरह, वो तो अभी उसके लिए टाइम है, बट कैमराज अंदर अलाउड नहीं है, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो बट कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना दिखाएं। यहाँ पे लंगर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो मेन गेट ऑफ एक्वेरियम, जहाँ से टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे, और साथ ही में जो म्यूजिकल वाटर फाउंटेन्स विद लाइट एंड साउंड शो, ये जो लेज़र फाउंटेन जो हम विज़िट करने आए हैं। तो ये डे व्यू है, यहाँ पे ही शो होने वाला है। टिकट्स वगैरह हम लोग थोड़ी देर में ले लेंगे। तो ये साथ में ही पार्क है, यहाँ पे पार्क में विज़िट किया जाता है। गेट से एंट्री करते हैं, यहाँ पे बैक साइड पे ये बाहू फोर्ट भी ऊपर से दिख जाता है, और ये एक्वेरियम है। हम लोग अभी एक्वेरियम विज़िट कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं, ये फिश की पूंछ है। यहाँ से एग्जिट पॉइंट है, तो एंट्री का पॉइंट वो साइड से है। तो हम जब इनसाइड जाएंगे तो फिर आपको पूरा दिखाते हैं। कभी कभी मेरे ना दिमाग में ऐसा एक मतलब सवाल आता है कि जो पुरानी जितनी भी इमारतें होती हैं ना, जितनी भी मतलब कि किले, मकबरे, कोई भी उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, मतलब सबकी एकदम बुनियाद इतनी स्ट्रांग होती है ना, मतलब कि कभी मतलब उनमें कोई खराबी नहीं आती। 3000-4000 साल पुरानी चीज़ें हैं, बिल्डिंग हैं। जैसे ये है अभी, ठीक है,
यार आजकल के जो ईंटे हैं पत्थर हैं वो तुरंत खराब हो जाते हैं, बट इसका है इसको तो देखो प्लास्टर भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या बात है, मतलब उस टाइम के ज़माने में भी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी ना। तो हम लोग अभी आ गए हैं, ये हम एक्वेरियम का मतलब वो है फ्रंट है, तो यहाँ से हम इनसाइड जाएंगे। ये भैया है हमारे साथ, चलो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। भैया क्या कर रहे हो? ये बस हम इसको पेंट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है लिपस्टिक लगा रहे हो। ऐसे ही समझ लूँ ना मैं कुछ, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली आप मछली के जो लिप्स हैं उनको आप मतलब वो कर रहे हो, है ना। तो आज रेड कलर का टारगेट मिला है। अच्छा अच्छा क्या बात है। चलो भैया तो लगा रहे हैं लिपस्टिक हम। चलो यहाँ पे अभी संडे है आज, तो मतलब थोड़ा छोटा मोटा जो रिपेयरिंग चल, तो यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। एक्वेरियम कम अवेयरनेस सेंटर बाहू फोर्ट, एंट्री फिश माउथ, मल्टीमीडिया हॉल है, लेबोरेटरी है, ग्लास एक्वेरियम, एक्वा केव्स, एक्वाटिक म्यूजियम एंड एग्जिट फिश टेल पे। चलिए देखते हैं क्या क्या है अंदर। इंडेक्स तो हमने पढ़ी लिया। सो ये एंट्रेंस ऑफ एक्वेरियम, यहाँ पर हमारे छोटी छोटी फिशेज हैं। अब इनके नाम तो पता नहीं है बट यहाँ पे देख सकते हैं। वाह अमेजिंग। हेलो हेलो फ्रेंड। सो यहाँ पर है इनका झुंड, थोड़ी भी नहीं है, बहुत सारी हैं। बट यहाँ पे नाम लिखे होते हैं बट लिखे नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज कॉमन गोल्ड फिश। ये कॉमन गोल्ड फिश है जो रेगुलर आपको कहीं पे मिल जाएगी। शुभांकिन गोल्ड फिश, शुभांकिन गोल्ड फिश। ये हमारे टर्टल। हेलो हेलो। चलो अभी थोड़ा अंदर चलते हैं। ईटेबल्स आर नॉट अलाउड। रेड पैरट, येलो पैरट, काफी ब्यूटीफुली इन्होंने इतना अच्छा बना रखा है कि लाइक हल्का हल्का बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी है तो उसका एक अलग ही एनवायरमेंट आ रहा है। है भी अंदर बहुत ठंडा भी है। देखो प्रॉपर यार सारी फिशेस हैं यहाँ पे, तो मतलब हर वैरायटी की फिशेस आपको तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और तो और यहाँ पर बाकी डिटेल्स में भी यहाँ पे सारा बता रखा हुआ है कि क्या 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 बिहेवियर्स हैं फिश के। और यह है गोल्डन आइड ड्वार्फ चिकल, ये ज़ेब्रा फिश है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर हैं कुछ बड़ी बड़ी फिशेस। वाओ दैट्स अमेजिंग।
हेलो 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 माय फ्रेंड, नाराज लग रहे हो, गुस्से में लग रहे हो। ए सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना। ये फिश लग रहा है कुछ थोड़ी सी टेंस लग रही है, देखो है ना। वैरायटीज़ दिखाने चाहूँ तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और अभी छोटी 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 फिशेस हैं यहाँ पे बहुत। आपको एक जल्दी जल्दी मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। ये डेड फिशेस हैं, इनको स्टोर करके इन्होंने रखा हुआ है ताकि एक सैंपल वैरायटी के लिए कि लोग आके एटलीस्ट देख सकें कि ये वैरायटीज अवेलेबल हैं। कुछ इनमें से लुप्त हो चुकी हैं, कुछ वैरायटीज हैं अवेलेबल, मतलब काइंड ऑफ ऐसा। वो टेक्निकली मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको। सो एक्वेरियम हमने ख़त्म कर लिया, अभी ये लास्ट एंट्रेंस था, यहाँ पे एग्जिट है, तो बैक साइड से अभी हम लोग जाएंगे। तो अभी पार्क शार्क हैं ऊपर, तो वो वहाँ बैठते हैं, टाइम पास करते हैं थोड़ा सा। और क्या सो अभी शाम होने आई है, और यही जगह है जहाँ पे लेजर फाउंटेन अभी स्टार्ट होने वाला है। सो हम आपको डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं अभी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।